यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है, घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग किया है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है, असली की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोके की रिकवरी हुई है। और जो हमने फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। फॉरेंसिक हमारी टीम आई थी जिससे हमने खोके बरामद किए हैं, तो ये उस वेपन से चली है गोलियां। ये पूरा हम लोग अभी ये टीम से ये करने वाले हैं। इसका यूपी पुलिस से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? यूपी पुलिस जो है एक तो उन्होंने यूपी पुलिस ने वहां से अस्पताल से लेनी जाना चाहिए था, जब हमारे कस्टडी में वहां थे, जब हमारी बात हो गई थी उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को, घर वालों ने पूरी मदद करी, घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने, संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके। और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल में ले गए तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए, तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई, तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहां से चले गए। तो इस पे हम लोग जो है पूरी सरकार की तरफ से भी, मैं स्वयं भी, पूरा हम लोग उत्तराखंड जो है पुलिस इस पे इसकी निंदा करती है। और इस पे अब हम लोग बिल्कुल कल से लगातार दबिश दे रहे, रेड कर रहे हैं इसमें हम लोग। सूर्या की बैरिकेडिंग तोड़ी गई है पुलिस की तरफ से, बिल्कुल उस पे अलग से।